नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ किस तारीख को होगी, इसे लेकर अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, भाई अंकित राज और सीओ शशि भूषण सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। सभी को अलग अलग तारीख पर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 12 मार्च को ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद के घर समेत राजधानी रांची, हजारीबाग समेत 20 ठिकानों पर रेड की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में विधायक के करीबी रिश्तेदार के घर भी दबिश दी गई थी। ईडी ने छापेमारी के बाद अपने ट्वीट में बताया कि पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग में योगेंद्र साव और उनके अन्य करीबियों के 20 ठिकानों पर रेड की गई। रेड के दौरान 35 लाख कैश, डिजिटल उपकरण, सर्किल ऑफिस, बैंकों आदि के फर्जी मुहर, हाथ से लिखी रसीद और डायरी समेत कई दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही अवैध बालू खनन से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। अंबा प्रसाद के परिवार पर रंगदारी और लेवी के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही बालू अवैध खनन, जमीन से जुड़े मामलों में भी ईडी अंबा और उनके परिजनों से पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ इन आरोपों से इनकार करती बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि मेरे पास मेरे नाम से गाड़ी है, मेरे घर से नकद राशि बरामद नहीं हुई है, 1400 रुपये थे वह भी ईडी वाले वहीं छोड़कर चले गए, सूत्र बनकर मीडिया में अफवाह पहुंचाने वाले मेरे दुश्मन हैं। अब ईडी इस मामले की आगे जांच करेगी। इस मामले में सभी से पूछताछ के बाद ही ईडी सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ ईडी ने रांची जमीन घोटाले की जांच भी तेज कर दी है। राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी प्रीति कुमार को एक बार फिर समन भेजा गया है। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन व गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा को भी समन किया गया है। प्रीति कुमार को 20 मार्च को समन कर दिन के 11 बजे बुलाया है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 18 मार्च और प्रमोद मिश्रा को 19 मार्च को तलब किया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।